आज का जुगाड़ हो गया। ए हीरो, चलता है क्या? बहुत मजा दूंगी। तो फिर बता कितना लेगी? तू तो दिखने में कंगाल लगता है, चल तेरे लिए 1000 रुपए दे देना बस। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? शकल देखिए अपना, सेम रेट लगा पिछले बार भी गए थे अपन। चल जल्दी कर, टाइम नहीं अपने पास। क्या बोला रे हैं? मैं एकदम आलिया भट्ट दिखती है, कंगला भिखारी, निकल यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ। आपने आपको हीरोइन समझती है क्या? आगे शकल में सूरत खड़े हो जाती है, जाएगी तो बोल पिछले वाला रेट में। बोल रही है जाएगी। ए चल जा रे, जा निकल यहाँ से, निकल। अरे अरे लक्ष्मी बहन, कहाँ जा रहे हो? कलमुही के पास है, वो लोगों का जिंदगी बर्बाद करती है। पापनी स्त्री है, औरत है वो बहुत खतरनाक औरत है। देखो सबको बर्बाद करती है, घर भी तबाह कर दिए कितने सारे लोगों का। उसके पास मत जाओ। नहीं बोलना चाहिए, पहले देख लो। देखो भैया, मैं तो बोल दिया, मेरा बोलने का काम था, आपका मर्जी है, जाना है तो जाओ, हम तो चले भैया। ए तू चुप रे, ए तू ज्यादा साधु महात्मा बनता है, तेरे बाप का खा रही हूँ क्या मैं यहाँ पे? चल जाओ यहाँ पे। और तू क्यों आ रही है मेरे पास? तू भी जाओ यहाँ से, चल। अरे बहन सुनो, उनकी बातों का ना बुरा मत मानना। हाँ वो कुछ भी ऐसे ही बोल करके चले गए हैं। देखो हम सब इस दुनिया में पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मेरे पाप धो दिए और वो सभी पापियों से प्रेम करते हैं और पाप से नफरत करते हैं और वो यही सिखाते हैं बहन, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ए चल चल निकल यहाँ से, ज़्यादा ज्ञान मत दे, चल निकल। ठीक है बहन, मैं तो जा रही हूँ। तुमको अगर बुरा लगा हो मेरी बात को तो क्षमा करना मुझे। ये इधर से डेली जाती आना जाना करती है, कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती क्या? आज बुला के पूछती हूँ। ए मैडम इधर आ, तू इधर आ। हाँ बहन तुमने मुझे बुलाया, बोलो। तू इधर से रोज आना जाना करती है, कहाँ जाती है, क्या करने जाती है, कोई काम हम करती है क्या? मैं ना प्रार्थना करने जाती हूँ और मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे यही सिखाया है, सबसे प्रेम करो, यीशु का यही संदेश है। तू मेरे लिए काय को प्रार्थना करती है रे? क्योंकि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। प्रभु एड़ी है क्या, जाके किसी आदमी को कहना मेरे से काय को करती है? मुझे प्रभु ने यही सिखाया है, मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं एक पापी स्त्री हूँ। सुनो बहन तुम ये काम छोड़ दो, प्रभु को तुम्हारी चिंता है, यीशु तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। मेरी बात सुनो। अरे मेरा यहाँ कोई चिंता नहीं करता, मैं खुद इस दुनिया में अकेली हूँ। तू ये सब बोल के क्या मुझे ईसाई बनाना चाहती है? अरे नहीं बहन, मैं तुमको कोई ईसाई ईसाई नहीं बना रही हूँ, तुम गलत समझ रही हो मेरी बातों का। अरे सुन, ईसाई में बनने से तो पैसा मिलता है क्या? मेरे को भी दिलाएगी क्या? हाँ हाँ आना ना आज शाम को हमारे घर में, तुमको पास्टर साहब धन देंगे और मैं तुमको धन दिलाऊंगी वहाँ। देखो बहन जिस्म बेचने से तो अच्छा यह काम है, तुम एक काम करो आज शाम को मेरे घर में आओ तो मैं तुमको बताऊंगी तुमको क्या करना है। ठीक है मैं अभी तो जा रही हूँ, शाम को मिलता हूँ। इसको अभी तक की आई नहीं है, बुलाई थी मैं, ये कहाँ रह गई है पता नहीं है, प्रेयर का समय हो रहा है। यार सब घर यहाँ पे एक जैसा दिख रहा है, कौन सा घर बताई थी अपना सच्चा ट्रामनेस, कौन सा घर है यार? अरे ओ बहन इधर 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 आओ। अरे बहन इसको क्यों बुला रहे हो, ये कलमुही को हैं, कुलनछनी को? देखो यहाँ पे आप प्रार्थना मीटिंग में मत बुलाओ इसको, अरे अच्छे नहीं है, आपका पूरा बर्बाद कर देगी घर में, ऐसे लोगों को घर में नहीं बुलाते हैं।
देख लो भैया, आपको बुलाना है तो बुला लो, इससे तो दूरी रहना चाहिए। बाप रे। अरे बहन, ऐसे लोगों का बात मत सुना करो, तुम आओ, मैं तो तुमको अपने घर पे बुलाई थी। आओ बहन, आओ, आओ अंदर आओ। फिर मसीही बहन ने उस कॉल गर्ल लड़की को अपने घर के भीतर ले गया परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, जहां पर परमेश्वर के दास पास्टर साहब आए हुए थे, और वहां पर उन्होंने परमेश्वर का वचन उस कॉल गर्ल लड़की को सुनाया। उस कॉल गर्ल लड़की को यह बताया कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से पापनी स्त्री को क्षमा किया था, जो कि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, वो भी ऐसे ही जिस्म फरोशी किया करती थी या जिस्म का सौदा किया करती थी, जिसे हम वेश्या कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, और वह पापनी स्त्री आकर के प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे पता था कि यीशु मसीह जो भविष्यवक्ता है पापों को क्षमा कर सकता है और मुझे माफ़ कर सकता है। इस प्रकार से वह फूट फूट करके रोने लगी प्रभु यीशु मसीह के पाँव के पास, और प्रभु यीशु मसीह के पाँव को अपने आंसुओं से भिंगोने लगी, और प्रभु यीशु मसीह के पाँव पर इत्र उंडेला, और उस इत्र को पूरे पाँव पर मलने लगी, और अपने बालों से पोंछने लगी, और रो रो करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर पड़ी रही। यह देख करके प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया और कहा, जा, दोबारा पाप मत करना। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया। उसी प्रकार से आज आपको भी परमेश्वर का वचन बुलाता है, और आपको भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है। इस बात को याद रखें, परमेश्वर आपको शांति दे। मैं वहाँ गई, पैसा तो मिला नहीं, लेकिन वो आदमी जो बात बताया बहुत अच्छा लगा। आज तक साला को ये बात बोला ही नहीं था उनको। अरे कैसी हो बहन? अरे आओ बहन, बैठो बैठो। कैसी हो? ठीक हो। क्या मैं? सोच रही हो ये बताओ। कुछ अरे बहन, तू तो बोली सी पैसा मिलेगा बोल के, कहाँ मिला पैसा? अरे तुमको नहीं मिला? ऐसे कैसे तुमको नहीं मिला? मैं तो वहीं तुम्हारे पास ही बैठी थी, मुझे तो बहुत सारा मिला। कहाँ मिला? कैसे मिला? अरे वहीं जब तुम मेरे पास बैठी थी, वो जो पास्टर साहब बता रहे थे, वही तो धन है जो मेरे दिल में है। प्रभु यीशु जो मेरे दिल में रहते हैं, वही तो पैसा है। हमारे दिमाग में जो रहता है, हमारे दिल में जो रहता है, उसी को तो धन कहते हैं। हाँ बहन, तभी मिला जब तुम मेरे पास बैठी थी। वो पैसा मेरे दिल में है, और वो है प्रभु यीशु का प्रेम जो मुझे पाप करने से बचाता है, मुझे अच्छाइयों के रास्ते पर लेकर के चलता है, और मेरी रक्षा करता है, और तो और मेरे कामों को सफल करता है। धन धन क्या है? जो हमारी इच्छा पूर्ति करता है उसे ही धन कहते हैं। मेरा धन तो मेरे प्रभु यीशु का है जो मेरे दिल में है, मेरे दिल में बसे हैं, मुझे उनसे ही मिला है। जो भी धन मिला है, मैंने तो अपना बता दिया, अब तुम बताओ तुम्हें क्या मिला? अच्छा, मैं सब समझ गई रे। तूने मुझे अपने घर को बुलाया, अपने साथ बैठाया, पानी तक पिलाया, और वो पास्टर कितना अच्छा बात बोला रे, मुझसे अच्छे से बात किया। साला हम लोग को तो आज तक कोई पूछता नहीं है, और यहाँ तक कोई इज्जत नहीं देता, लेकिन तूने मुझे इज्जत दिया, प्यार किया, वो सम्मान दिया। तू बहुत अच्छी है रे, तेरा यीशु तुझे बहुत अच्छा सिखाया है, तू बहुत अच्छी है। मैं समझ गई रे बहन, इस दुनिया में असली धन क्या होता है। प्रेम, इज्जत, आदर, सम्मान, अपनी सारी इच्छा को पूरी करने का नाम होता है धन। लेकिन इस दुनिया में आज जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, उनके पास क्या प्रेम है, शांति है? लेकिन जिनके पास इस दुनिया में सबसे ज़्यादा धन है, उसके पास प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, सिर्फ उनके पास घमंड है और नफरत है।
और वो अपने पैसे से पाप भी क्षमा नहीं करा सकते, लेकिन यीशु के पास पाप क्षमा करने की पूरी शक्ति है और उसके पास प्रेम है, शांति है, दया है और वो हम सब की रक्षा करता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमारी इच्छा पूरी करता है, हमें अनंत जीवन और उद्धार देता है। क्या तू मुझे बता सकती है यीशु मुझे कैसे मिलेगा? सुन बहन, अपने मन में विश्वास रख कर के अगर तू ये मान लेती है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर के पुत्र है और तेरे पापों को जो क्षमा कर सकते हैं, तू उनके नाम का बपतिस्मा ले लेगी तो तुझे प्रभु यीशु अवश्य मिलेंगे। मुझे इस पाप से बचाने के लिए यीशु और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लाइव शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी। मैं प्रिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार हमारा गॉस्पल मूवी बैक टू बैक आने वाला है, तो तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 10 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।